इतने सारे लोग। ताला लोक जेल के अंदर कैद। तो मंदिर के अंदर मोबाइल से पकड़ लिया था। तो गेट पे आ गए हैं। तो यहाँ का ऊपर में है मंदिर और इस ओर है यहाँ का कामाख्या जंक्शन, रेलवे जंक्शन। इधर से आती है रेल की पटरी। तो चलिए पहले घूम के आते हैं मंदिर ही, कामाख्या मंदिर। इसके बाद देखा जाएगा, कहीं जाना होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर निकल जाएंगे। आपको सब जानने को मिलेगा वीडियो में ही। तो यहाँ से गाड़ी भी मिलती है और पैदल रास्ते भी है, तो आपको जो इच्छा उसमें जा सकते हैं। ये इसका गेट। तो ऊपर में मंदिर और यहाँ इतने सारे गाड़ी लगी हुई है ऊपर जाने के लिए। तो ऊपर तक जाने का किराया है 30 रुपया और नीचे आने का किराया है 20 रुपया मंदिर। वैसे तो खास दूरी नहीं है, सोचते हैं पैदल ही चलते हैं। तो इसके पैदल रास्ते और एक थे उल्टे साइड पे। तो कोई नहीं, आए हैं तो पैदल ही नापेंगे, फिर कभी बाद में आएंगे तब लेंगे गाड़ी, अभी अपना शरीर ठीक है। रुके हैं 53 पे, तो देखते हैं कितने टाइम तक पहुंचते हैं ऊपर। चढ़ाई लेकिन सॉलिड है भाई, आसाम की घरे जगहों पे घर है भाई। देखो इधर से सीढ़ी बनाई है तब चढ़ेंगे, सभी घरों के लिए स्पेशल सीढ़ी बनी हुई है। ये सब घरों के ये रास्ते हैं, चारों तरफ घर हैं, इन्हें सीढ़ियों से होके पहाड़ी ज़िंदगी जिया जाता है भाई। देखो ये मंदिर का ही नहीं, घरों का भी रास्ता है। वाह, इतनी खतरनाक जगह रहते हैं, इतनी खतरनाक जगह पर रहते हैं लोग। जितना ऊपर जा रहे हैं उतना घर ही मिलते जा रहे हैं। देखो पहाड़ी ज़िंदगी कैसी होती है। हाँ, इधर सारे घर और ये मंदिर के साथ साथ ऊपर जाने वाले घरों का भी रास्ता है। तो हिमाचल, उत्तराखंड और असम, जितने भी पहाड़ी इलाके वाले घर हैं सब ऐसे ही देखने को मिलेंगे। हो, ये रहा सीढ़ी और उड़ा ऊपर में घर। वाओ, इधर से जाते रास्ते, इधर साइड को देखो घर। ये रहा सीढ़ी, अरे यार ऐसी ज़िंदगी, पूरी सीधी। तो मैं ये रास्ता को देखने के लिए ही इधर से आया हूँ, तो मैं भी गाड़ी ले लेता या तो दूसरे रास्ते है उसमें आता। कामाख्या माता मंदिर के दरबार। यहाँ और एक रास्ता गाड़ी वाले। अब जानी होगी इस साइड से पैदल। टेंपल को जाती है ना रास्ते, मंदिर को जाती है। और ये रहा इधर से रास्ते। अभी वो और भी लोग आ रहे हैं पीछे से, और सुबह सुबह का समय है तो बहुत सारे लोग गाड़ी ले लेते हैं 30 रुपया देके। तो मैं रास्ते देखने के लिए आ गया हूँ कितनी चढ़ाई है। तो कुछ दूरी तक पहुँच गए हैं, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अरे आगे रख लूँगा। तो इधर ही सोके जाती है मंदिर। तो यहाँ कोशिश तरीके का है चाल पाल, तब बस पहुँचने ही वाले हैं, चलते हैं सीधे मंदिर के लिए। ज़रा गाड़ी होगा बड़ा यहाँ पे। पहाड़ी इतनी चढ़ाई थी कि पूरा पसीना पसीना हो गया बॉडी।
तो फाइनली मंदिर के सामने आ गए हैं, अब चलते हैं ऊपर के लिए। चप्पल कामाख्या माता मंदिर के दरबार पे पहुंच गए हैं। जूता चप्पल यहाँ रखिए, भाड़ा भरे नहीं फूल माला अगरबत्ती दिए गुजराना लेना चाहिए। कैद कर रखा गया इतने सारे। प्रवेश द्वार बैग रखना होगा तब जाके एंट्री मिलेगा। चलिए बैग रखते हैं। से वापस नीचे आ गए, बैग के साथ नहीं जाने मिल रहा है। देखते हैं लॉकर रूम होगा तो फिर रखेंगे। रखने को मिल गया, चलते हैं मंदिर के अंदर। इधर से कुछ इस तरीके का है मंदिर। यहाँ इस जगह पे पानी का कुंड है जिसमें लोग नहाते हैं। ये कुंड है नहाने के लिए। सामान्य कतार में यानी कि जनरल लाइन में बहुत सारे भीड़ लगे हुए हैं। देखिए इधर एक छोटा सा म्यूजियम टाइप का भी है जिसमें काफ़ी सारे कुछ है, छोटे छोटे चीज़ देखने को मिलेंगे आपको। तो आप कभी आते हैं तो यहाँ घूम लीजिएगा। बतख वगैरह पूरे हैं। देखिए चलते हैं पूजा वाले लाइन में लगते हैं और दर्शन करेंगे। इतने सारे लोग ताला लोक जेल के अंदर कैद। तो ये सब सारे बकरे शायद यहाँ पे बलि के लिए छोड़े गए हैं। बहुत सारे हैं जगह जगह पे। उधर से उधर तक पूरी लाइन लगी हुई है।
मंदिर के अंदर मोबाइल से पकड़ लिया था तो फिलहाल रख दिए हैं। ये सर दीपक वगैरह है। जो देता है वो आदमी आया नहीं है। अरे बाबा बड़े बड़े बकरे कबूतर काफी अच्छी कलाकृति है। हो गई है, चलिए अब चलते हैं बाहर। से जो जंक्शन साइड पर उतरती है मंदिर से रास्ते, उसमें चलते हैं कामाख्या जंक्शन। तो चलिए दिखाते हैं आपको अभी रास्ते, वे टू कामाख्या टेम्पल। अब नीचे उतरने वाला रास्ते है ये नहीं है, इस तरीके का है। पहाड़ी जिंदगी एक दिन का काफ़ी गजब। पहाड़ों पे लोग कैसे रहते हैं देख सकते हैं। ये है घर और ऐसे ऐसे इधर के रास्ते हैं सीढ़ी। एक कुंड है और इस साइड का भी एक टेंपल है। कितना मेहनत का काम है इधर, सीमेंट वगैरह कोई भी सामान को पहाड़ों पे पहुंचाना बहुत मेहनत। देख लो भाई वैसे पैसे नहीं बनते। जिंदगी देख के तो मेरे को शौक हो गए। हम खुद ऐसे जगह पे कैसे रहते हैं लोग, यहाँ पर कोई भी सामान को कैसे आना जाना करते हैं, ले जाते हैं ले आते हैं, अपने आप में ही गजब है। देख सकते हो इतनी ऊंचाई पे कैसे, खाली सीढ़ी को नहीं हुई ना, गाड़ी ला सकते हैं, बाइक ला सकते हैं ना, कुछ चल रहा है। बट ये सारे सामान को यहाँ पर तक लाया कैसे, क्या होगा वो अपने। इधर कोई ऐसा माध्यम नहीं है लाने का, देखो ऐसे जगहों से लाया गया हो, उधर साइड से भी आए उधर साइड से भी, ऐसा कुछ भी जगह नहीं है कि आप जब है। यहाँ पर रहने वाले लोग भी उनको सल्यूट है भाई मेरी तरफ से। अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, घर काफ़ी शानदार शानदार भी है लेकिन यहाँ पर रहना चढ़ना आप खुद देख सकते हो। यहाँ बाइक आएगी देखो, जो अभी जो देखे वो मशीन को किधर से लाया वो भी नहीं पता। देख लो सिर्फ सीढ़ी है, नीचे से कितना मेहनत से कोई भी सामान को लाया जाता है। यही है पहाड़ी जिंदगी देख सकते हो। रेलवे जंक्शन कितनी दूरी है? 1.5 किलोमीटर। तो ऐसे इधर से कोई आता नहीं है लेकिन मैं यहाँ की पहाड़ी लाइफ को ऑब्जर्व करने के लिए और यहाँ पर किस तरीके से सीढ़ी वगैरह क्या है नहीं है उसको जानने के लिए बस इधर से आया हूँ। नहीं तो मैं भी रोड से आ सकता हूँ, बट सोचा कि कुछ अलग होनी चाहिए ना, मज़ा आने चाहिए लाइफ में टूर में। तो देखो अभी नीचे उतरने वाले हैं, यहाँ एक रास्ते मिलेगी फिर यहाँ से वापस से फिर नीचे सीढ़ी मिलेगी। तो यहाँ पे फिर से वापस काफ़ी शानदार सी एक रोड मिली है देख सकते हो। तो मेरे को रोड पे नहीं जाने, मेरे को फिर से वापस नीचे डायरेक्ट को जाना। माँ काली का मंदिर भी है, देर से होकर जाती है रास्ते, कोई भी आदमी इससे नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ का
चढ़ने का किराया 30 रुपया है, 30 रुपया दे के आदमी कोई भी चढ़ जाता है। बट आपका भाई का ट्रेवल करते करते पूरे पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो बस किसी तरह से घर तक पहुंचना है। तो सपना तो पूरा हो गया बट कंगाल हो गए हैं। तो अभी यहाँ से घर तक की दूरी अभी बहुत है, बट घर तक किसी तरह से जानी पड़ेगी। चलिए ऊपर वाले की दुआ से सब सही हो जाएगा, जो भी हो किसी तरह घर पहुँच ही जाएंगे। काम चलाने के लिए 500 रुपये बचे हैं, वही 500 रुपये में खाना भी खाना है, ट्रेन का किराया भी देना है और भी कुछ करना है। पहले कम से कम इंडिया के जो चारों कोने थे, इंडिया के जो चार जगह थे, वहाँ की लगभग लगभग मेरी जो टूर थी इंडिया टूर की, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से चलूँगा और फिर जो बचे खुचे कुछ प्लेसेस है वहाँ पे फिर घूमूँगा नेक्स्ट बार, या कभी भी आना जाना तो लगा रहेगा। ज़िंदगी जब तक रहेगी तब तक तो चलते ही रहेगी। सड़क सीढ़ी सिर्फ पत्थर के बनाए हुए, पत्थर और थोड़े बहुत शायद सीमेंट यूज हुए हैं। देखिए इधर को पूरी खड़ी चढ़ाई, पूरी खड़ी चढ़ाई। चाय का बगान यहाँ पे बहुत सारा है, बट आपका भाई का स्थिति थोड़ा यहाँ आते आते ख़राब हो गया पैसों के लेकर, बाकी सब सही है। इस कारण से अभी तक तो चाय का बगान जा नहीं पाए हैं, बट कभी ना कभी फिर से आऊँगा। बहुत दूर तक चल गए थे, डिब्रूगढ़ तक चले गए थे, उसी के आमने सामने में थी, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इस कारण से नहीं गए हैं अभी तक। फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगा, उस समय आपको दिखाऊँगा पूरे चाय का बगान। सो नॉर्थ इंडिया टूर की, नॉर्थ ईस्ट की फिर से आपको एक बार टूर मिलेगी जिंदा मचा तो। अच्छा उतर गए हैं, यहाँ तक गाड़ी सब आती है। देखो यहाँ पे काफ़ी दो चार गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है, पार्किंग में क्या बोले बगल में लगी हुई है, तो यहाँ तक गाड़ी आती है। इसके ऊपर सिर्फ सीढ़ी है और ये रहा शहर, जो अभी सही से दिख भी नहीं रहा, धुंधला धुंधला दिख रहा है। सुबह सुबह का मौसम है, सही से मौसम साफ नहीं हुआ। नीचे उतर गए हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो अब यहाँ चलते हैं जंक्शन और फिर चलेंगे आगे। देखते रहिए, आपको पता चलते जाएगा कहाँ कहाँ जाएंगे। वैसे तो प्लान है घर साइड को ही जाएंगे। तो फाइनली नीचे उतर गए हैं, आपको यहाँ पे घूमने के लिए काफ़ी सारे ऑटो मिल जाएंगे, बस मिल जाएंगे, ट्रेन मिल जाएंगे और स्कूटी वाले भाई साहब और बाइक वाले भाई साहब मिल जाएंगे आपको घुमाने के लिए। तो अपने हिसाब से चार्ज करते हैं, जैसा हमारे यहाँ आदमी होता है उसके हिसाब से लेते हैं। तब चलते हैं जंक्शन। तो यहाँ पे इतने सारे बस चलते हैं, गाड़ी चलती है जंक्शन। टिकट हो गई है पटना तक की, 11 बजे की गाड़ी है। तो पहले खाना वाना खा लेते हैं फिर आते हैं जंक्शन पे। अभी बज रहे हैं 8:30 और यहाँ से गाड़ी है 11 बजे। चलिए कुछ खाते पीते हैं, बाहर में तो कुछ मिला नहीं, यहीं कुछ खाने पड़ेगी। ले लिए आलू के पराठे, मटर की सब्जी है और अचार है, खाते हैं मस्ती से। तो मस्त सुबह का नाश्ता करते हैं, सॉस है ये।